मेरी लिखी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज में रेखा की दोस्ती अपने साथ पढ़ने वाले लड़के रोहित से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। थोड़े वक्त बाद दोस्ती प्यार में बदल गई और बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी घर वालों को मनाना, क्योंकि दोनों एक जाति के नहीं थे। लड़का नीची जाति का था, पर वो कहते हैं ना कि प्यार के आगे किसी का जोर नहीं चलता। कुछ वक्त बाद रोहित ने अपने घर में बता दिया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि शादी समाज की लड़की से ही हो। पर जब रोहित ने धमकी दी कि यदि शादी नहीं करवाओगे तो हम भाग जाएंगे, फिर मत कहना कि ये क्या किया, हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे प्यार और खुशियों के बारे में भी सोचो। जीवन साथी मैं अपनी मर्जी का ही चाहता हूँ। रोहित की बात सुनने के बाद घर वालों के पास मानने के सिवाय कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि रोहित बहुत जिद्दी है। यदि वो कह रहा है कि वो भाग जाएगा तो वो सच में भाग सकता है। इसलिए वे लोग यही सोचकर मान गए कि आखिर अपने इकलौते बेटे को खुद से दूर कैसे जाने दे। अब लड़के के घर वाले तो मान गए, लेकिन लड़की के घर वाले किसी हाल में इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि एक तो लव मैरिज और दूसरा नीची जाति में शादी, उनके लिए ये नामुमकिन था। जब रेखा ने उन्हें धमकी दी कि मैं भाग जाऊंगी, तो उन्हें यही लगा कि वो सिर्फ डरा रही है, फालतू की धमकी दे रही है। अभी तक तो दोनों बेरोजगार हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद थोड़े वक्त का प्यार है, फिर से जोश ठंडा हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रोहित के घर वाले शादी के लिए मान चुके हैं। रेखा ने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो वो सिर्फ अपने कपड़े लेकर रोहित के घर आ गई। जब तक रेखा के घर वाले उसे ढूंढते, तब तक दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। आनन फानन में सब कुछ हुआ ताकि रेखा के घर वाले भी कुछ ना कर सके। रेखा के पिताजी उसे ढूंढते हुए रोहित के घर आए और बाहर से चिल्लाने लगे कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ रेखा, तुम अंदर ही हो, अब बाहर आ जाओ। लेकिन जब रेखा बाहर आई तो उसके पिताजी को बहुत बड़ा धक्का लगा। रेखा शादीशुदा रूप में खड़ी थी और उसके हाथ में उसका मैरिज सर्टिफिकेट था। रोहित भी रेखा के साथ बाहर आया और उसने कहा, हमने शादी कर ली है, बस अब आपका ही आशीर्वाद देना बाकी है। हमें आशीर्वाद देकर अपना लीजिए, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। रेखा के पिताजी की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। उन्होंने रोहित की तरफ देखा भी नहीं और रेखा से कहा, अगर तू अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले से मुझे अलग कर सकती है, तो आज से मैं भी तुझे अपने आप से अलग करता हूँ। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मैं यही समझूंगा कि मेरी कोई बेटी थी ही नहीं, मर गई तू आज से मेरे लिए। ये बोलकर वो वहाँ से चले गए और इस दिन के बाद उन्होंने रेखा से सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन रेखा रोहित से बहुत प्यार करती थी और जब उसके पिताजी ने उसे समझा ही नहीं तो उसने भी उन्हें जाने दिया। रोहित के घर वालों को भी उसकी शादी को लेकर बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन सब अधूरी रह गई क्योंकि शादी आनन फानन में निपटा दी गई। रेखा को हमेशा के लिए अब रोहित के घर ही रहना था। थोड़े वक्त तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसके लिए रोहित ही उसकी सारी दुनिया बन चुका था। लेकिन काल्पनिक दुनिया और हकीकत की दुनिया में बहुत फर्क होता है। थोड़े दिन सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात। शादीशुदा लड़की की जिंदगी में सबसे पहले शुरू होता है सास बहू पुराण। रेखा की सास की सरकारी नौकरी थी और ससुर का प्राइवेट जॉब था। उसकी सास बहुत ज़्यादा तेज थी, घर में केवल उसकी सास की ही चलती थी। एक कुंवारी ननद भी थी और वो भी बिल्कुल सास की ही तरह बहुत तेज थी।
घर में काम वाली बाई थी, लेकिन बाकी के सभी कामों की जिम्मेदारी रेखा पर डाल दी गई। रेखा और रोहित दोनों बेरोजगार थे, इसलिए घर वालों के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते थे और चुपचाप रेखा को सारा काम करना ही पड़ता था। सास की तानाशाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और सास धीरे धीरे अपना असली रूप दिखा रही थी। सासू माँ चाहती थी कि उनकी बहू उनकी बहुत सेवा करे, घर का सारा काम करे, समय पर उठे, उनके उठने से पहले उनको बिस्तर में चाय दे, सुबह का नाश्ता बना कर दे, ड्यूटी जाने से पहले लंच बॉक्स हाथ में दे और शाम का खाना भी वही बना दे। सासू माँ ने घर की बहुत सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। कपड़े धोना, प्रेस करना, पूरी रसोई संभालना, घर का काम करना, साफ सफाई करना आदि। रेखा भी आखिर थी तो बच्ची ही, और पीहर में तो उसने कभी इतना काम किया ही नहीं था। ससुराल में तो अगर उससे थोड़ी भी गलती हो जाती तो सासू माँ बहुत सुनाती। ननद से भी कभी कोई खास प्यार नहीं मिला। रोहित भी ये सब देख रहा था और अपनी माँ के इस दोगले व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने सारी उम्र अपनी माँ को उसकी दादी के लिए भला बुरा कहते हुए सुना था। लेकिन आज जब वो खुद सास बनी तो उसकी दादी से भी कई गुना ज्यादा सख्त और तानाशाही साबित हो रही थी। रोहित चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यदि वो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कह दे तो माँ कहती कि जोरू का गुलाम बन चुका है। ऐसे में ससुर जी भी कभी सासू माँ को कुछ कहने की कोशिश करते तो सासू माँ उन्हें भी चुप करा देती। रेखा चुपचाप सब कुछ सह रही थी, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा नहीं था। ना तो वो अब अपने घर जा सकती थी और ना ही घर वालों के साथ उसका किसी भी प्रकार का रिश्ता बचा था। अब जो था जैसा था उसे वैसे ही रहना था। हालातों को देखते हुए रोहित ने बहुत जल्दी कहीं प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन उसे पैसा बहुत कम मिलता था। पर उसने यही सोचा कि कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा, कम से कम अब उसे माँ के तानों से तो छुटकारा मिलेगा, क्योंकि उसकी माँ उसे दिन भर यही सुनाती कि तुम दोनों को मैं अपने टुकड़ों पर पाल रही हूँ, इसलिए इस घर में जो मैं कहूँगी वही होगा। रोहित को अपनी माँ के ऐसे व्यवहार पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था। उसे लगता था कि वो कहीं अलग जाकर रह ले, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो घर से अलग हो जाए। पर एक दिन जब माँ की तानाशाही की अति हो गई, तब रोहित ने एक छोटा सा कमरा किराए से ले लिया और घर छोड़ दिया। ससुर जी भी ये सब देख रहे थे और जानते थे कि बहू बहुत दुखी है, इसलिए उन्होंने अलग होने में अपने बेटे का साथ दिया, लेकिन अपनी पत्नी से छुपकर। ससुर जी को पता था कि रेखा की बिल्कुल गलती नहीं है, वो तो बेचारी बच्ची बिल्कुल अकेली पड़ गई है। बस रोहित ही उसका एकमात्र सहारा था। अब कम पैसों में ही सही, लेकिन रोहित रेखा ने अपनी छोटी सी गृहस्थी बसा ली। एक ही कमरे में खाना बनाना और रहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन घर में हुए अत्याचारों से छुटकारा पाकर रोहित और रेखा बहुत खुश थे। घर से अलग होने का दुख तो था ही, पर रात दिन के तानों से वे लोग परेशान हो गए थे। दोनों की यही सोच थी कि कम से कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन खुशी से तो रह पाएंगे। रोहित की माँ ने भी उसे घर छोड़ने पर रोका नहीं, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि कम पैसों में बाहर रहना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए दो दिन में दोनों की अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। पर उन्हें नहीं पता था कि कम पैसों में एक छोटे कमरे में ही सही, लेकिन रोहित और रेखा अपनी खुशहाल गृहस्थी बसा ही लेंगे। रोहित को रेखा के लिए बहुत बुरा लगता था कि इस लड़की ने मेरे लिए इसका घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, और बदले में इसे क्या मिला। उसे अपनी माँ से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो कभी नहीं सोच सकता था कि उसकी माँ अपनी बहू को इतना दुख देगी, लेकिन रोहित ने ठान लिया कि मैं रेखा को वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी वो हकदार है। रेखा ने भी इतने वक्त में ये तो बहुत अच्छी तरह से जान लिया था
कि शादी का दूसरा नाम ही समझौता है, भले ही वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज। फर्क बस इतना है कि अरेंज मैरिज में हम हमारे माँ बाप को कुछ कह सकते हैं, उन्हें हमारी तकलीफ बता सकते हैं, लेकिन इस तरह घर से भागकर या माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध जाकर लव मैरिज करने पर तो लड़की बहुत बुरी तरह से फंस जाती है। वो अपने माँ बाप से भी कुछ नहीं कह पाती और उसे जहर का घूंट पीना ही पड़ता है। कम से कम रेखा की किस्मत बहुत अच्छी थी कि रोहित उसका पूरी तरह से साथ दे रहा था, उससे प्यार करता था और उसे समझ रहा था, वरना तो कई बार लव मैरिज में भी थोड़े वक्त बाद सब कुछ रसहीन लगने लगता है और शादी बस एक समझौता बनकर रह जाती है।